हनुमान चालीसा को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले राणा दंपति जेल से रिहाई के बाद पहली बार अमरावती और नागपुर जा रहे हैं। नागपुर में राणा दंपति उसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जहां पर एनसीपी आज सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज फिर हनुमान चालीसा की गूंज, नागपुर में आज हनुमान चालीसा बनाम सुंदर कांड। राणा दंपति की सियासी चालीसा का नया अध्याय। नागपुर के रामनगर में स्थित इस मंदिर में आज एक बार फिर हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान मचने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हनुमान चालीसा पाठ की गूंज सुनाई देने वाली है। आज सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा इसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की जिद के बाद जेल की हवा खा चुके राणा दंपति इसी मंदिर से हनुमान चालीसा पाठ का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प ये कि इसी मंदिर में आज ही के दिन एनसीपी भी सुंदर पाठ कर रही है, यानी ये मंदिर सियासत का अखाड़ा बनने वाला है। एनसीपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं राणा दंपति हनुमान चालीसा को इवेंट नहीं बनाए और बिना देखे हनुमान चालीसा पाठ करके दिखाए। हनुमान चालीसा बिना देखे अगर वो मेरे साथ खड़े रह के पढ़ सकते तो ये समझना कि वो सही में भक्ति भाव से कर रहे हैं या इवेंट कर रहे हैं। नहीं तो मैं पूरा हनुमान चालीसा उनके सामने पठन करके दिखाऊंगा, ये उन्होंने सोच लेना चाहिए। वैसे राणा दंपति नागपुर के इस मंदिर तक रैली निकालना चाहते थे लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। राणा दंपति कल ही अमरावती भी जाएंगे। स्वागत में पोस्टर लग चुके हैं जिन पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के फोटो भी हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हिंदुत्व पर सियासी जंग मची है, बड़ा हिंदुत्ववादी बनने की होड़ है। देखना ये है कि राणा दंपति की हिंदुत्व के नायक बनने की मुहिम कितनी कामयाब होती है। अमरावती से धनंजय सावले के साथ योगेश, नागपुर आज तक।